अब खबरें विस्तार से। शहीद दिवस के मौके पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह की याद में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने बाइक रैली में भाग लिया। इस मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। उधर दुखसलाई चौक पर आजसू कार्यकर्ताओं ने भी वीर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। शहीद भगत सिंह अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। वहीं कदमा स्थित यूथ एकता फाउंडेशन द्वारा भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद दिवस पर शहीद भगत सिंह को याद किया गया। कदमा श्याम पथ के रहने वाले जवाहर लाल नामक व्यक्ति की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि गत 18 मार्च को कदमा श्याम पथ के रहने वाले 58 वर्षीय जवाहर लाल की हत्या कर शव सरायकेला खरसवा जिले में फेंक दिया गया था। चार दिनों से भी कम समय में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अनूप बिड़थरे ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है कि किस तरह जुए की राशि को लेकर पहले अपहरण फिर हत्या की गई। वर्मा, छोटू यादव और तीन बंधु बेसरा इत्यादि हैं, ये सभी मित्र लोग थे। बेसिकली ये हत्या हुई है जुआ इत्यादि को खेलने को लेकर के, जो आपसी पैसे का लेन देन है उसके विवाद को लेकर ये हत्या हुई है। जो मृतक हैं श्री जवाहरलाल, वो जो अभियुक्त थे उनके मित्र थे और ये लोग बोकारो में, धनबाद में, जमशेदपुर के क्षेत्र में, चास इत्यादि में जाकर के, और जो पैसे वाले लोग हैं उनके साथ जुआ खेलने का काम करते थे और एक ट्रिक से जो है जुआ खेलने वालों को हरा दिया करते थे, या जो व्यक्ति जुए में जीतता था पैसा उससे बाद में ये लोग पैसे को लूट लिया करते थे। उसी क्रम में पैसे को लेन देन को और आपसी बंटवारे को लेकर के इनका विवाद हुआ था, जिसको लेकर के मुख्य भूमिका इसमें विजय बरुआ, जो कि मृतक के मित्र हैं, और सोनू सिंह इन लोगों ने निभाई। और इनमें एक व्यक्ति जो छोटू यादव है, वो पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के केसेस वगैरह में जेल गया है। सोनू सिंह नाम का व्यक्ति बिहार तरफ का रहने वाला है, वो संदिग्ध है, आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है, पहले भी कुछ केसेस में उसका नाम आया है। और इस कांड में टोटल 3 गाड़ियां हम लोगों ने बरामद की हैं, जिनसे ये लोग तिरिल में गए थे, उड़ीसा में, और चाईबासा में गए थे और उनकी हत्या की थी। पंडित का क्या रोल है? ये बहुत ही अजीब तरीके से इन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया है। इनमें से एक व्यक्ति छोटू यादव अपने आप को मरीज घोषित करके, और एक एम्बुलेंस इन लोगों ने किराए पर ली, उस एम्बुलेंस में 3-4 लोग छोटू यादव को मरीज बना करके ले गए। उसके बाद विजय बरुआ, जो श्री जवाहरलाल जो मृतक हैं उनके मित्र हैं, वो उनको जुआ खिलाने के लिए चास कहलाने के नाम पर उनको ले गए। उसके बाद इन लोगों ने तिरिल में, जो कि मयूरभंज जिले में जगह है, वहाँ जाकर के एक मंदिर में पूजा की। उस मंदिर का जो पुजारी है वो पहले से जो व्यक्ति हैं ये लोग, इन लोगों का मित्र है। और उसके बाद एक दिन इन लोगों ने उस पुजारी के घर में ही एक कमरा दिया गया था, उसमें जो मृतक हैं उनको रखा, और उसके बाद नेक्स्ट डे इन लोगों ने जा करके और उनकी नदी किनारे में हत्या की। इस हत्याकांड में वो पुजारी भी शामिल है। उन्होंने पुजारी ने पैसे के लालच में, और जो अभियुक्त है सोनू सिंह उससे मित्रता के कारण इस घटना में इन लोगों का साथ दिया। इसमें जो बुलेरो थी पुजारी की वो इस्तेमाल की गई है, एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी, वो भी हम लोगों ने बरामद की है। और ये बेसिकली कुछ गलत काम को लेकर के जो पैसा कमाया गया था उसके पैसे के बंटवारे में जो विवाद हुआ था उसको लेकर के हत्या की, और मामले को इन लोगों ने बरगलाने के लिए और इस आशा में कि शायद कुछ पैसा घर वालों से मिल जाए, बाद में मृतक के मोबाइल से लगातार घर वालों को 16 लाख की रकम के लिए फोन भी किया था।
गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने छापामारी कर बड़ा बांकी में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने जिला पुलिस बल की मदद से बड़ा बांकी पंचायत के उर्माडी गांव में चल रही मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस दौरान 3000 लीटर स्प्राइट और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। गुप्त सूचना मिली थी कि MGM थाना अंतर्गत बड़ा बांकी पंचायत में उर्माडी नामक गांव के बगल में जंगलों में अवैध शराब फैक्ट्री चल रही है। इसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने CCR DSP से संपर्क कर CCR बल के साथ वहां छापेमारी की है। आज सुबह हम लोगों ने 8 बजे से 11 बजे तक वहां छापेमारी की है, जिस दौरान काफ़ी मात्रा में स्प्रिट, खाली बोतल ये सब बरामद हुए हैं। स्प्रिट लगभग 3000 लीटर है, साथ ही खाली बोतल 5 से 6 बोरे हैं, कॉर्क 2 बोरा है, देसी शराब पैक करने का सैचेट 1 बंडल है, स्टिकर RS, OC ब्लू और IV के प्राप्त हुए हैं, साथ ही खाली कार्टन भी मिले हैं जो पैकिंग में उपयोग किए जाएंगे साथ ही तैयार विदेशी शराब भी 2 पेटी करीब बरामद किया गया है। देसी शराब के पाउच भी तैयार हालत में आधा बोरा मिला है। क्या कीमत हुई? इन सभी का रॉ मटेरियल्स थे, ये सभी अभी तैयार होने में इसमें टाइम लगता, लेकिन इनकी कीमत करीब करीब 6 लाख के करीब थी। मतलब कितना फैक्ट्री चल रहा है इसको? वहाँ एक फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और इसमें उत्पाद विभाग और CCR बल का पूरा काम रहा है। किसी की गिरफ्तारी? वहाँ किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और चूंकि वह जंगल था और आसपास हम लोगों ने पूरा सर्च किया। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के मौके पर शुक्रवार को अस्ताचल गामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। विभिन्न नदी घाटों में व्रतधारियों और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।
माननीय पूर्व मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा यह निर्मित नील सरोवर छठ घाट है। यहाँ पर उनके हम लोग दिशा निर्देश पर चैती छठ का बड़े भव्य आयोजन किए हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग जितने भी यहाँ पर हमारे साथी कार्यकर्ता हैं, नील सरोवर के मेंबर्स हैं, सभी मिलजुल कर आपसी सहयोग से सुबह से सफाई में लगे हैं। तालाब की सफाई के अलावा जितने भी रास्ता है आवागमन में किसी तरह का असुविधा ना हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग पूरी तरह पवित्रता का, चूँकि यह पर्व है और माननीय पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी अभी चूँकि शहर में नहीं है, उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी एक बड़ी जिम्मेवारी देकर हम लोग को ये दिए थे कि मतलब भव्य तरीके से ये कार्यक्रम होना चाहिए उनके दिशा निर्देश पर। और ब्रेक के बाद अगली खबर है, स्लम बस्तियों की छात्राओं ने डीसी को ज्ञापन सौंप कर बैंकों द्वारा मिनिमम बैलेंस काट लेने की शिकायत की है। स्लम बस्तियों की छात्राओं को सरकार द्वारा बैंकों के जरिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, मगर इधर बैंकों द्वारा मिनिमम बैलेंस के नाम पर राशि काट ली जा रही है। हमको लेकर यहाँ आ जाइयो, हमारा मतलब सरकारी स्कूलों में ये हो रहा है कि टीचर्स की कमी हो रही है और जो सरकारी सुविधाएं मिल रही है तो वो सही ढंग से कोई कोई स्कूलों में नहीं दी जा रही है, तो हम चाहते हैं कि उस चीज को सरकार चेक करे। सरकार चेक करने के लिए स्कूलों में आए कि बच्चों को सही ढंग से हर सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही है,
हमारे छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक है कि नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। विश्व यक्ष्मा दिवस के मौके पर शनिवार को विशाल जागरूकता रैली निकाली जाएगी। सर पे आम जनता को जानकारी दी जाती है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल 25,92,680 है, जिसमें यक्ष्मा रोगों के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा यक्ष्मा रोधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा पूरे जिले में 10 टीबी यूनिट है एवं 20 डीएमसी कार्य कर रहे हैं। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की जांच और इलाज मुफ्त किया जाता है। एमडीआर मरीजों का जांच जिला यक्ष्मा केंद्र राजेंद्र नगर सदर अस्पताल खास महल घाटशिला सीएससी में बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। शहर में ईस्ट इंडिया डांसिंग आइकन 2018 के लिए ऑडिशन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया।